खबर है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पेशवाई आज। हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ निकले की पेशवाई, ये खबर है। और 11 बजे सिद्ध बाबा मोजगिरी आश्रम से पेशवाई निकालने की हालांकि तैयारी थी, थोड़ा सा वक्त इसमें और लगेगा ये भी कहा जा रहा है। पेशवाई में रमचा पंच और नागा साधु करेंगे शिरकत, ये जानकारी है कि रमचा पंच और नागा साधु इसमें शिरकत करेंगे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही पेशवाई मार्ग से होता हुआ छावनी में ये समाप्त हो जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर इसमें शिरकत करेंगे और तैयारी हो चुकी है पूरी। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पेशवाई आज होनी है, तैयारियां पूरी। वहां पर हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ ये पेशवाई प्रयागराज में निकलेगी। थोड़ी ही देर में पेशवाई निकालने की तैयारी है, हालांकि 11 बजे का वक्त पहले दिया गया था। अभी 11 बज चुके हैं और इसके बाद अब तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, कुछ ही देर के बाद निकलेगी। जूना अखाड़े के द्वारा निर्वाचित परंपरा से उसमें उन पात्रों को चयन करके बैठाया जाता है और उसमें रमता पंच और जूना अखाड़े की महासभा और जितने एक्स सरपंच या निवृत्त अध्यक्ष महामंत्री और जूना अखाड़े के अनेक प्रकार के संत गुरु मूर्ति लगभग 7,000 से लेकर 11,000 के आसपास संभावना कल जुलूस में शामिल होने की। और इसी पर अधिक जानकारी के धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की पेशवाई निकलेगी, हालांकि 11 बजे का वक्त दिया गया था, अभी वक्त 11 बजे से ज्यादा हो चुका है, कब निकलेगी, क्या जानकारी है? देखिए दीपा, मौजगिरी आश्रम में जूना अखाड़े की पेशवाई वहां से शुरू होकर और छावनी परिसर में जाएगी। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद ही पूरे शाही अंदाज के साथ मौजगिरी आश्रम से ये लोग हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ हौदे पर जो उनके महामंडलेश्वर हैं वो बैठेंगे और आचार्य महामंडलेश्वर और केशानंद जी पूरे पेशवाई में सम्मिलित होंगे। तो पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं। थोड़ी देर बाद ही मौजगिरी आश्रम से ये पेशवाई शुरू हो जाएगी और छावनी परिसर में समाप्त होगी दीपक। हाँ। और धीरेन्द्र, कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरेगी? देखिए ये यमुना बैंक रोड कीटगंज यमुना के किनारे मौजगिरी आश्रम है। मौजगिरी आश्रम से ये पेशवाई शुरू होगी और ये बैराना चौराहा होते हुए परेड होते हुए ये सेक्टर 16 में जो जूना अखाड़े का कैंप शिविर बना हुआ है वहां पर जाकर ये समाप्त होगी। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। जिस तरीके से एक तरफ जहाँ प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वही अखाड़े भी अपनी तैयारियां पूरी करके अब से थोड़ी देर बाद ही मौजगिरी आश्रम से ये छावनी की ओर प्रस्थान। ठीक है धीरेन्द्र, प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं और साथ ही जूना अखाड़े ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। थोड़ी देर के बाद ये पेशवाई निकलेगी। शुक्रिया आपका। अब